नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। पंचायत चुनाव में कादर चौक ब्लॉक क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी कर चुके अध्यापक देशपाल सिंह की इलाज के दौरान मंगलवार तड़के बरेली के निजी अस्पताल में मौत हो गई। घर वालों ने बताया कि चुनाव में ड्यूटी के दौरान उन्हें कोरोना हो गया। इसके बाद सीटी स्कैन कराने पर फेफड़ों में संक्रमण आया था। गुस्साए घर वाले बरेली में मौत के बाद सीधे शव को लेकर डीएम आवास के सामने पहुंच गए। चुनाव ड्यूटी के तहत मुआवजा की मांग करते हुए उन्होंने एम्बुलेंस भी डीएम आवास के दूसरे छोर पर खड़ी कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार सदर ने उन्हें समझा बुझाकर जांच कराने का भरोसा दिलाया, तब कहीं जाकर परिजन शव लेकर घर की तरफ लौटे। खबर गाजीपुर से है, जहां कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार कोरोना टीकाकरण पर विशेष जोर दे रही है। जनपद गाजीपुर में 77 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। अब इसमें तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर 62 मोबाइल टीकाकरण टीम तैयार की गई है, जो गांव-गांव जाकर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण करना प्रारंभ कर दिया है। सोमवार से प्रत्येक ब्लॉक में अपने रोस्टर के अनुसार काम करना भी शुरू कर दिया गया। प्रतापगढ़ में ट्रक और स्कॉर्पियो की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को प्रयागराज रेफर किया गया है। स्कॉर्पियो सवार सभी लोग प्रयागराज के थे, मूल निवासी। हादसा होने के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार है। लालगंज कोतवाली के लीलापुर बाजार के पास से हादसा हुआ। कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के हनुमान घाट पर एक युवक का शव तैरता मिलने से हड़कंप मच गया। पीपा पुल की रस्सियों में फंसा दिख रहा था शव। गंगा में शव मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और पीएसी के जवान जांच में जुटे। पीलीभीत जनपद में कोरोना वायरस का आंकड़ा पिछले 3 दिन से तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद शहर में लॉकडाउन लगाया गया। वहीं मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जो कि अभी भी बरकरार है। फिलहाल संक्रमित मरीजों के लिए मिलने की संख्या में भारी कमी आई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कोरोना महामारी गांव में तेजी के साथ पैर पसार रही है, जिसको देखते हुए योगी सरकार अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करने में जुट गए हैं। महाराजगंज जनपद में भी कोरोना के मामले पंचायत चुनाव के बाद बढ़े हैं, जिसको देखते हुए जनपद के सभी 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन की पाइपलाइनों को बिछाने का काम शुरू किया गया। फिरोजाबाद की एसटीएफ और पचोखरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ और पचोखरा पुलिस ने घेराबंदी कर एटा रोड के असन रोड पर ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बाइक और बड़ी मात्रा में मनोरंजन बैंक वाली नोट बरामद की है। कुछ असली नोट भी बरामद किए हैं। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत, फांसी के फंदे पर अटकता मिला विवाहिता का शव। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। थाने पर तहरीर दी, 3 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। टिकैतनगर थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव का एक पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।